तो दोस्तों इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और 1999 टीजीटी यूपी टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। हॉलो बॉल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के भ्रूण का जब निर्माण होता है उसमें एक अवस्था ऐसी आती है जिसको बोलते हैं हॉलो बॉल स्टेज, उसको क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, गैस्ट्रोला कहते हैं, या नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कुछ भी नहीं। तो या इसमें याद रखने वाली बात है कि जो हॉलो बॉल स्टेज है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। जब जायगोट में डिवीजन शुरू होता है तो शुरुआत में बहुत रैपिडली डिवीजन होने लगता है, एक से दो, दो से चार सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेज होती है वो मोरूला होती है, उसके बाद ब्लास्टुला आती है, उसके बाद गैस्ट्रोला आती है। तो जो हॉलो बॉल स्टेज है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। तो या 31 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन जो सही है वो है ब्लास्टुला। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि भाई एंजाइम रेनिन, एक एंजाइम रेनिन है, उनमें से किस सबस्ट्रेट पर काम करता है? सेलुलोज पर, एमाइलेज पर, कैसिनोजन पर, या फैट यानी कि वसा पर? सेलुलोज, एमाइलोज, कैसिनोजन या फिर लिपिड्स, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है कैसिनोजन। क्या है? कैसिनोजन। मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैसीन, ठीक है। तो जो रेनिन एंजाइम है वो मिल्क प्रोटीन पर काम करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कैसीन। रेनिन एंजाइम कैसिनोजन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है जो मिल्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इज रेफर्ड एज, जो सेक्स सेल्स है यानी कि लिंग कोशिकाओं का संलग्न क्या कहलाता है? रोपण, निषेचन, मैथुन या इन्फॉन्ट? इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन या इन्फ्यूजन? इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही सीधा और सिंपल सा है कि जब सेक्स सेल्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो 33 का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एक इकोलॉजिकल सर्वे हुआ था जिसमें नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने वाले रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? वर्षा वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा वन। उसको क्या कहा गया? हिंदी में जैविक, स्व पारिस्थितिक, सम पारिस्थितिक या सांख्यिक? इंग्लिश में बायोलॉजिकल, ऑटो इकोलॉजिकल, सिन इकोलॉजिकल और स्टेटिस्टिकल। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, सिन इकोलॉजिकल। क्या है? सिन इकोलॉजिकल। 35 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है द फिनोमिनन दैट डिफाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 35, मेजर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं जिसमें कार और मोटरसाइकिल और बड़े वाहन आते हैं चौपहिया वाहन, उसमें से निकलने वाला जो पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ कौन सा है? स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO है? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जितने भी तरीके का स्मोक और गैसेस निकलती हैं तो सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हमारा दम घुटने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है उस समय पर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। फिनोमिनन दैट डिफाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो कुछ 3 या 4 नियम बनाए थे जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, तो इनमें से कौन सा फिनोमिनन है
जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि उसका पालन नहीं करता है, सेग्रीगेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर या डोमिनेंस। देखिए जो मेंडल ने जिस समय पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उस समय मेंडल को लिंकेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लिंकेज के बारे में जानकारी नहीं थी, हालांकि उनको जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, जीन्स को उन्होंने फैक्टर का नाम दिया था। और लिंकेज के बाद में जो खोज की थी वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने लिंकेज की हाइपोथेसिस को लोगों के सामने रखा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दो, यानी कि लिंकेज ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो फिनोमिनन है लिंकेज की वजह से, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिनोमिन उसको फॉलो नहीं करती है, द लिंकेज फिनोमिनन डज नॉट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन है टू। 37 पूछा गया लूसी एंड डब्लू टी 1500, ये दो नाम दिए हुए हैं लूसी और डब्लू टी 1500, ये हैं क्या? ऑप्शन क्रमशः कुत्ते यथा वायुयान के नाम है, एरोप्लेन के नाम है, पक्षियों और स्तनियों के बीच की है कि ये कनेक्टिंग लिंक है कोई, ये होमोनिड पूर्वज हमारा जो था उसका फॉसिल है कोई, या एक लिविंग फॉसिल जीवित जीवाश्म है। देखिए ये दो नाम आप याद कर लीजिए, लूसी और डब्लू टी 1500, ये बेसिकली होमोनिड हमारा जो एंसेस्टर था उसका ये फॉसिल जो खोजे गए थे उनको ये नाम दिया गया है। लूसी डब्लू टी आर द फॉसिल्स ऑफ होमोनिड एंसेस्टर, ठीक है। 38 में पूछा गया एंजाइम्स स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स वो ऐसा क्या काम करते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो इस भी सवाल में पूछा गया कि वो कैसे बढ़ा देते हैं। और चार ऑप्शन दिए गए, इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन प्रतिक्रिया की जो सक्रियकरण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा को घटाकर यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर कर देते हैं, अलाउइंग ईजी कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो आपस में कॉलिजन होता है रिएक्शन के टाइम उसको वो अलाउ करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38, इस क्वेश्चन का 38 का सही जो आंसर है वो आंसर टू, एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो एक्टिवेशन, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन, ठीक है, जो एनर्जी का उसमें रिक्वायरमेंट होता है उसको वो कम कर देते हैं एंजाइम्स, और इस तरह से वो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। और एंजाइम्स की खास बात ये है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो अपना रिएक्शन ख़त्म होने के बाद वो अनचेंज रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, पूछा गया कोई ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, मेजर कैलिक्स इन किडनी एंड सीक्रेट ग्लाइकोजन, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मोलीमा, प्लाज्मोलीमा के ऊपर एक कवरिंग है ये, अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से पाइरूवेट एसिड बनता है उसका एक स्टेप है, या स्ट्रक्चर रिलेटेड टू न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस से संबंधित कोई स्ट्रक्चर है। तो पूछा गया ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, क्वेश्चन नंबर 39, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसके ऊपर प्लाज्मोलीमा के ऊपर, ग्लाइकोकैलिक्स इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मोलीमा। 39 का सही ऑप्शन है बी सेकंड। 40 में पूछा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, परानुकंपी तथा अनुकंपी तंत्रिकाएं यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन फिल्ट्रेट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, या मसल्स इन द वॉल और आर्टरियोल्स या आर्टरियोल्स में पाई जाने वाली जो पेशियां होती। क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4, मसल्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, मसल्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रेगुलेट्स द ब्लड फ्लो। फोर्टी वन में पूछा गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस जो वंशागति है वो किस प्रकार की है, एक प्रभावी जीन माता से पुत्री में तथा पुत्री से पुत्र में, दूसरा है एक प्रभावी जीन सुप्त तथा सुप्त जीन प्रभावी बन जाता है, एक सुप्त जीन माता द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाया जाता है, या फिर एक सुप्त जीन पिता से पुत्री या पुत्री से माता में जाता है, अ डोमिनेंट जीन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम
a mother to daughter and from daughter to son, a dominant gene becomes recessive and recessive gene becomes dominant, या फिर recessive gene is carried by mother from generation to generation, or recessive gene carried from father to daughter and from daughter to son. Question number 41. Recessive, देखिए क्रिस क्रॉस inheritance में होता क्या है कि इसमें recessive gene जो होता है वो माता से एक generation से दूसरी generation में हमेशा हमेशा transfer होता है, ठीक है. तो ये बेसिकली एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है जिसमें एक एक रिसेसिव जीन एक मदर के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि भाई गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन, जो गैमेटोसाइट्स हैं मलेरिया परजीवी हैं जिसको प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज़ हैं टाइप्स हैं, उनके जो गैमेटोसाइट्स हैं वो कहाँ बनते हैं. मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स बनते हैं कहाँ, नर एनोफिलीज के आमाशय में, मनुष्य के रक्त में, मादा एनोफिलीज के आमाशय में, या एनोफिलीज की लार ग्रंथियों में. द स्टमक ऑफ मेल एनोफिलीज, ब्लड ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज, या सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ एनोफिलीज. क्वेश्चन नंबर 42. तो जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो बेसिकली बनते हैं ह्यूमन के ब्लड में. ह्यूमन के इन्फेक्शन के बाद किसी को अगर मलेरिया हो जाए, कोई मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन है, तो गैमेटोसाइट्स कहाँ पाए जाएंगे, उसके ब्लड के RBC में. तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ब्लड ऑफ मैन. 43 में पूछा गया भाई चार स्टेटमेंट दिए गए, विच वन इज ट्रू, उनमें से स्टेटमेंट कौन सा ठीक है. पाइसिस यानी कि मछली, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, पाइकलोथर्म्स हैं, पाइसिस एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एमिनियोट्स हैं, एव्स मैमल्स और रेप्टाइल्स, होमोथर्म्स हैं, या रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स एमनियोटा हैं. चार ऑप्शन दिए, इनमें पढ़ देता हूँ इनको. सत्य क्या है, मछलियाँ सरीसृप तथा पक्षी असमतापीय हैं, यानी कि इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है बदलता रहता है, चेंज होता रहता है वातावरण के अनुसार. मछलियाँ एम्फीबियन और सरीसृप एनएमिनियोटा हैं, यानी कि एमिनियोट्स ये नहीं हैं. पक्षी स्तनी तथा सरीसृप समतापी हैं, यानी कि इनके बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, बदलता नहीं है. चौथा ऑप्शन है सरीसृप पक्षी और स्तनी एमनियोट्स कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. तो देखिए सही ऑप्शन जो है, ये पहले भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था लेकिन दूसरी तरीके से पूछा गया था. तो रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स, एव्स में बर्ड्स आती हैं, तो सारे के सारे एमनियोट्स हैं. क्या हैं, सारे के सारे एमनियोट्स हैं. इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो उसके चारों ओर एक 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 लेयर बनती है, इसको एमनियन बोलते हैं, तो इसलिए उनको एमनियोट्स बोलते हैं. तो रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स तीनों ही एमनियोट्स कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया, अ डार्क स्टेनिंग बॉडी कॉल्ड बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ. ये क्वेश्चन भी पहले देखिए एक बार पूछा गया था. अगर ये कुछ कोशिकाओं में केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बार बॉडी कहते हैं, ये बार बॉडी किसका मॉडिफिकेशन है, एक्स क्रोमोसोम का है, वाई क्रोमोसोम का है, केंद्रक कला का है, केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है, और केंद्रका यानी न्यूक्लियोलस का है. देखिए बार बॉडी जो फीमेल हैं उनके एक्स क्रोमोसोम्स का ही एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, ये एक तरीके का इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है जो एक सेल में न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, और जिस तरह से क्रोमोसोम स्टेन लेता है उसी तरह से ये भी स्टेन लेता है और ये क्लियरली विजिबल होता है. तो ये जो बार बॉडी है बेसिकली किस में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है. तो ये इसका सही ऑप्शन है 1, एक्स क्रोमोसोम. इसको याद कर लीजिए, बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम का मॉडिफिकेशन है, ये एक तरीके का एक इनएक्टिव क्रोमोसोम है जो सेल में न्यूक्लियस के पास पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशिया में, या इन सभी में. कुंचनशील रक्तिका हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुंचनशील रक्तिका. क्वेश्चन नंबर 45. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखा जाए तो तीनों में पाया जाता है, अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, और पैरामीशिया में भी होता है. तो इसका सही जो आंसर है वो है आंसर 4, ऑल ऑफ दी, सभी में पाया जाता है. 46 में पूछा गया, विच इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है ठीक है.
ग्लिसंस कैप्सूल्स आर फाउंड। ग्लिसंस कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? फ्रॉग के लिवर में पाए जाते हैं, फ्रॉग के पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, मैमल्स के लिवर में पाए जाते हैं या मैमल्स के पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को इंग्लिश में अग्नाशय बोलते हैं और लिवर को जिगर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ग्लिसंस कैप्सूल जो होते हैं वो ह्यूमन मैमल्स के लिवर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैमल्स के लिवर में, स्तनी के जिगर में पाए जाते हैं ग्लिसंस कैप्सूल्स। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, मनुष्य में एस्करेस की संक्रमक अवस्था क्या होती है? द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्करेस टू मैन इज फर्स्ट जुवेनाइल है, सेकेंड जुवेनाइल है, थर्ड है या फिर फोर्थ है? क्वेश्चन नंबर 47 में जो पूछा गया है वो है, इनमें से एस्करेस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी है? तो वो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड जुवेनाइल। क्या है? सेकेंड जुवेनाइल। इसको इस ऑप्शन को आप याद कर लीजिए, इसको आंसर को याद कर लीजिए, जो सेकेंड जुवेनाइल है वही इन्फेक्टिव स्टेज होती है एस्करेस की। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनली दैट हैज डीएनए इन एडिशन टू न्यूक्लियस। अ सेट ऑफ जीन हैज बीन फाउंड इन न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, व्हिच वन इज दैट? केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, निम्न में से जीन का एक सेट केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के डीएनए में पाया जाता है, ये सेट वो कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 48 में जो चार ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन में जो सही आंसर है मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, वो है आंसर नंबर 3, MNOPQR। इसको याद रखना तो बहुत आसान है, ये चारों 6 के 6 लेटर्स सभी लगभग एक सीरीज में, MNOPQR इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये सारे 6 के 6 एक ही क्रम में लगे हुए हैं। तो इसको अगर इस तरह से आप नाम याद रखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। 49 क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ। ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं किसकी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं? ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम या रेक्टम? आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाते हैं? ईसोफेगस, आमाशय, ड्यूडेनम या फिर रेक्टम? क्वेश्चन नंबर 49, तो इस क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वो है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में किस म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं? इस क्वेश्चन का जो जूलॉजी वाला पार्ट है उसका अंतिम क्वेश्चन जो है, विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। इनमें से किस पैरासाइट का कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है? फैसियोला, एस्केरिस, टीनिया या प्लाज्मोडियम? फैसियोला, एस्केरिस, टीनिया या फिर प्लाज्मोडियम? क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर 2, फैसियोला हिपेटिका टेपवॉर्म। टीनिया सोलियम देखिए टेपवॉर्म है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट पिग है। प्लाज्मोडियम का इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो है। फैसियोला हिपेटिका लीच को बोलते हैं और एस्केरिस बॉडी में डायरेक्ट एंटर कर जाती है, जिससे कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करने से या खाना इस तरीके का खाने से जो शुद्ध तरीके से पकाया नहीं गया है, तो एस्केरिस के जो शुरुआती स्टेज है वो मनुष्य में एंटर कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वो है एस्केरिस। एस्केरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। तो ये था जूलॉजी का जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉटनी के जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को देखिए, सुनिए, कोई आपका फीडबैक है तो उसका हम स्वागत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।